राजधानी रायपुर से आपको बता दें, जहां पर प्रदेश में एक बार फिर मॉनसून एक्टिव हुआ है। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कई इलाकों में तेज बारिश के कारण लबालब पानी भरा हुआ है। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर मॉनसून एक्टिव हुआ है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रविंद्र राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं। जी रविंद्र, बताएं कि मॉनसून एक बार फिर एक्टिव हुआ है, कई जगहों पर बारिश के कारण पानी भरने की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? पिछले तीन दिनों की अगर हम बात करें तो रायपुर राजधानी में अक्सर शाम के समय तेज बारिश हो रही है और काफी तेज बारिश के कारण जल भराव की स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया है कि रायपुर संभाग और बस्तर संभाग में आज बारिश फिर देखने को मिलेगी। शाम को बेतरह पानी गिरने का संभावना है और साथ ही पानी के साथ साथ 24 घंटों के अंदर एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात, बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। खास करके बस्तर संभाग में बिजली गिरने की चेतावनी दी है और भारी बारिश का जो संभावना है वो रायपुर संभाग में है, जिसमें दुर्ग, जिसमें धरसीवा, महासमुंद और रायपुर जोन है जिसको अलर्ट किया गया है। खास करके 24 घंटों के अंदर जो बारिश होगी वो तेज बारिश होगी, जिससे एक बार फिर जल भराव की स्थिति देखने को रायपुर वासियों को मिल सकती है। जी रविंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। कई इलाकों में तेज बारिश के कारण लबालब पानी भरा हुआ है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कई जगहों पर बस्तर संभाग में बारिश हो सकती है और साथ ही राजधानी रायपुर में भी बारिश के आसार है। 24 घंटों के दौरान एक दो जगहों पर बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है।